तो विल गाइस सोलो सिको और दीरॉक ने मिलकर यहाँ पर दिया रामेज को एक बड़ा मैसेज। उसके बाद रामेज ने इस फोटो को यहाँ पर ट्विटर पे पोस्ट करते हुए इसके बारे में आखिर क्या कहा। उसके बाद गाइस यहाँ पर दीरॉक का क्या प्लान होने वाला है, क्या वो रामेज के साथ फाइट करेंगे या फिर यहाँ पर कोडी रोड के साथ। उसके बाद गाइस यहाँ पर जी में उसो को रिटर्न करने के बाद यहाँ पर जी उसो ने उनके बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं इस वीडियो में। उसके बाद गाइस यहाँ पर गोल्डबर्ग ने यहाँ पर चैलेंज कर दिया है गुंथर को अगले मैच के लिए। उसके बाद फाइनली यहाँ पर जो क्राउन ज्वेल का नया पोस्टर था वो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से रिलीज हो चुका है, तो आइए देखते हैं। गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, उससे पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रू मैकइल्टर वर्सेस सीएम पंक इनके बीच जो यहाँ पर हेल इन अ सेल मैच हुआ इस बार के बैड ब्लड में। तो गाइस इस बार का ये वन ऑफ द बेस्ट मैच था जहाँ ये डब्ल्यूडब्ल्यू 2024 का मैच ऑफ द ईयर भी बना। और इस मैच का जो रेटिंग है आप देख सकते हैं 9.4 है आउट ऑफ 10 में से। वैसे गाइस दोनों रेसलर ने यहाँ पर सीएम पंक और ड्रू मैकइल्टर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी इस मैच को यहाँ पर परफॉर्मेंस देने में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट रामेज जी अपना फोटो शेयर करते हैं ट्विटर पे जहां वो बताते हैं कि ये केवल अभी शुरुआत है, नाउ इट्स स्टार्टिंग, अभी तो काफी कुछ करना बाकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उसके बाद गाइस फाइनली यहां पर क्राउन ज्वेल का नया पोस्टर रिलीज हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। तो गाइस जहां इस पोस्टर में आप देख भी सकते हो यहां पर दो ही मैचेस को ऑफिशियली यहां पर कंफर्म किया गया है अभी तक। पहला तो कोडी रोड वर्सेस यहां पर गुंथर के बीच, दूसरा यहां पर नया जग वर्सेस ली मॉर्गन के बीच। वैसे गाइस इस बार यहां पर ट्रिपल एच का कुछ ऐसा मानना है कि क्राउन ज्वेल में वो यहां पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन कराने वाले हैं। और वैसे आप तो जानते ही होंगे कि इस बार यहाँ पर जो क्राउन ज्वेल होने वाला ये होगा 2 नवंबर को और सऊदी अरेबिया में, हर बार की तरह इस बार भी सऊदी अरेबिया में ही होने वाला है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट जब यहाँ पर दीरॉक का रिटर्न देखने को मिलता है यहाँ पर इस बार के बैड ब्लड में, तो यहाँ पर जब वो अपना अंगुली दिखा रहे होते हैं 3-2-1, तो यहाँ पर सोलो सिको का ऐसा मानना था कि वो इनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो गाइस यानी आप यहाँ से समझ सकते हो कि यहाँ पर सोलो सिको और दीरॉक एक होने वाले हैं रामेज के अगेंस्ट पर। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर जब दीरॉक का यहाँ पर प्रोमो सेगमेंट चल रहा होता है बैक स्टेज, तो वो डस्टिन रोड यानी कि कोडी रोड के फादर को कहते हैं कि आई लव यू, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई हेट योर सन। गाइस इस टीजर को देखकर यही समझ में आ रहा है कि कोडी रोड का अगला अपोनेंट यहाँ पर दीरॉक ही होने वाले हैं। वैसे गाइस यहाँ पर गोल्डबर्ग ने यहाँ पर कह दिया है गुंथर को कि यू आर नेक्स्ट बॉय, यानी कि गाइस यहाँ पर गुंथर ही होंगे यहाँ पर गोल्डबर्ग के अगले अपोनेंट, ऐसा गोल्डबर्ग ने कहा इस बार के बैड ब्लड में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर ट्रिपल एच कुछ कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि जो यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर लेंथ होने वाला है स्मैकडाउन और रॉ का वो कितना होगा। हालांकि ट्रिपल एच का ऐसा मानना है कि इस पर अभी भी बात चल रहा है, आगे देखकर यहाँ पर साफ पता चल जाएगी कि इसका लेंथ कितना होगा आखिरकार। वेल गाइस इस बार के बैड ब्लड में यहाँ पर जो भी मैचेस देखने को मिले आइए उनकी रैंकिंग देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर नंबर 1 पे रैंकिंग देखने को मिलता है रामेज और कोडी रोड वर्सेस ब्लड लाइन के बीच। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे रैंकिंग में देखने को मिलता है यहाँ पर गोल्डबर्ग का टेस्ट, जब वहाँ पर गोल्डबर्ग और गुंथर के बीच यहाँ पर ब्रॉल हो रहा होता है। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर तीसरे नंबर पे जो रैंकिंग देखने को मिलता है वो यहाँ पर दीरॉक का रिटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर जो नंबर 4 पे रैंकिंग देखने को मिलता है वो ली मॉर्गन और रेयर एप्ली के बीच देखने को मिलता है। उसके बाद फाइनली लास्ट में यहाँ पर ड्रू मैकइल्टर वर्सेस सीएम पंक के बीच इस मैच की रैंकिंग मिलती है नंबर 5 पर। तो गाइस इस बार के सर्वाइवर सीरीज में कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है जहाँ एक टीम होगी यहाँ पर रामेज की, दूसरी टीम यहाँ पर होगी दीरॉक की। जहाँ रामेज की टीम में होंगे एक सिर्फ कोडी रोड, जे उसो, जेमी उसो, उसके बाद रैंडी ऑटर और सेमी जेन, और दूसरी तरफ यहाँ पर दीरॉक की टीम में होने वाले ये ब्लड लाइन के सारे मेंबर्स। उसके बाद गाइस नेक्स्ट इस बार के रेसोमेनिया में आप देख सकते हो ये मैचेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस जहाँ हो सकता है कि ट्रिपल थ्रेट भी मैच हो या फिर हो सकता है 1-on-1 मैच भी देखने को मिले। वेल उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस बार के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेकर। तो गाइस इस बार के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का जो व्यूअरशिप था इस बार वो था यहाँ पर 1.51 मिलियन व्यूअरशिप के अप्रॉक्स, और इसका रेटिंग था यहाँ पर 0.4 रेटिंग स्टार। उसके बाद गाइस नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं रॉकल का जो रिटर्न होता है, आखिर उनका क्या प्लान होने वाला आगे चलकर। तो गाइस इसे में रॉकल के बारे में कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर जजमेंट डे में ज्वाइन होने वाले हैं और ली मॉर्गन का साथ देंगे आगे चलकर। उसके बाद गाइस यहाँ पर जी उसो ने जिमी उसो का रिटर्न लगाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने रील अपनी स्टोरी पर लगाया है, यानी कि गाइस यहाँ पर जी उसो भी यहाँ पर जिमी उसो का रिटर्न देकर काफी खुश हुए हैं। उसके बाद गाइस नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आज के मंडे नाइट रॉ पर क्या खुरकुश देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आज एक यहाँ पर मैच अनाउंस हुआ है सेमी जेन वर्सेस गुंथर के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और दूसरा भी एक मैच होने वाला है यहाँ पर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए जी उसो वर्सेस जेवियर वुड के बीच। उसके बाद गाइस आज के मंडे नाइट रॉ पर यहाँ पर सेथ रॉलिंस भी रिटर्न करने वाले हैं, और भी कुछ होने वाले हैं आज के इस मंडे नाइट रॉ पर। तो गाइस इस बार का जो यहाँ पर मंडे नाइट रॉ होने वाला वो होगा यहाँ पर 2 घंटों के लिए, हालांकि 2012 के बाद ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है, यानी कि मंडे नाइट रॉ का जो यहाँ पर शो चलने वाला वो होगा यहाँ पर 2 ही घंटों के लिए केवल। उसके बाद गाइस आज का लास्ट और फाइनल अपडेट यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस को लेकर, इनका जल्द ही रिटर्न होने वाला है, इनका कुछ चीज भी देखने को मिला शायद से, और इस समय इनको लेकर यहाँ पर ट्रेनिंग काफी जबरदस्त चल रही है। तो गाइस यही रहे आज के सारे न्यूज एंड अपडेट जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।